بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज व अमान में रखे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पास्कल्स लॉ पे बात की थी, और पास्कल्स लॉ बेसिकली लिक्विड प्रेशर के हवाले से एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है जिसको हमने डिस्कस किया था। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं थी कि प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज ट्रांसमिटेड विदाउट एनी लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। स्टूडेंट्स, पास्कल्स लॉ का ये असूल हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आज हम जस्ट इसको शॉर्ट सा एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद आज के टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। हमने पास्कल्स लॉ में ये बात पढ़ी थी कि जब भी किसी कंटेनर में उसके किसी एक खास हिस्से पे, किसी एक खास पार्ट पे जब हम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, तो हमारा एग्जर्ट किया हुआ प्रेशर उस कंटेनर के बाकी तमाम पार्ट्स की तरफ ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है, और ना सिर्फ ट्रांसमिट होता है बल्कि विदाउट लॉस ट्रांसमिट होता है, यानी उस प्रेशर में किसी किस्म की कोई कमी वाकया नहीं होती है। ये पास्कल्स लॉ, इस लॉ के जरिए से हमें एक बहुत ही अहम क्लू मिला, एक बहुत ही अहम प्रिंसिपल पता चला जिसको हम आज अपनी डेली लाइफ में बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं और इससे हैरान कुन हद तक फवायद हासिल करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पास्कल्स लॉ की एक एप्लीकेशन का जिक्र भी किया था जिसको हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। आपने अपने गुज़िश्ता वीडियो में हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम पे भी बात की थी, और हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम बेसिकली एक ख़ास किस्म का एक स्पेशली डिज़ाइंड कंटेनर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। इस कंटेनर में दो हिस्से मौजूद होते हैं जिनमें से एक का साइज, एक का एरिया छोटा और दूसरे का एरिया बड़ा होता है। छोटे एरिया वाले साइड पे हम एक स्मॉल पिस्टन अप्लाई कर देते हैं, जबकि दूसरी साइड पे हम एक लार्ज पिस्टन अप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम को यूज करने के लिए हमने करना ये है कि हम स्मॉल पिस्टन पे एक डाउनवर्ड फोर्स, एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे जो कि एक सिंगल ह्यूमन फोर्स होगी, बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड की, इतनी फोर्स जितनी के एक इंसान आसानी से लगा सकता है। हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस फोर्स की वजह से इस पिस्टन के जरिए इस लिक्विड पे एक प्रेशर एग्जर्ट होता है। अब जैसा कि हमने पास्कल लॉ में पढ़ा कि जो आप प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वो ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है और बगैर किसी कमी के ट्रांसमिट होता है। सो यहाँ पे भी इसी तरह होगा कि ये जो प्रेशर यहाँ एग्जर्ट होगा ये इस लिक्विड के आगे मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा, हत्ता कि ये ट्रांसमिट होते हुए दूसरे लार्ज पिस्टन की तरफ पहुँच जाएगा। जैसे ही ये प्रेशर लार्ज पिस्टन पे अप्लाई होगा तो यहाँ पे एक फोर्स रीजनरेट होगी, और वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पे होगी, यानी ऊपर की तरफ होगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स, हैरान कुल बात ये है कि ये जो अपवर्ड फोर्स F2 जनरेट हो रही है, ये फोर्स हमारी लगाई गई फोर्स से काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हमने फोर्स तो बहुत थोड़ी अप्लाई की थी, लेकिन इस सिस्टम की बदौलत, इस सिस्टम के ज़रिए से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारी लगाई गई एक माकूल सी फोर्स काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गई, कई गुना बढ़ गई। अब ये फोर्स चूंकि अपवर्ड अप्लाई हो रही है तो हम इसी फोर्स से फ़ायदा उठाते हुए अगर इस पिस्टन पे कोई लोड रख दें तो हम उस लोड को भी बड़ी आसानी से
उठा सकते हैं, ये वो लोड है जिसको एक सिंगल आदमी, एक सिंगल शख्स उसको उठाने का कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन देखें हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम के जरिए से ये मुमकिन हुआ। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम तक हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बात कंप्लीट की थी। आज हम चलते हैं जी हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम की ही एक छोटी सी मजीद एप्लीकेशन की तरफ, ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ द व्हीकल्स। गाड़ियों में अमूमन कुछ ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं जो कि पावर ब्रेक्स होती हैं या जिनको हाइड्रोलिक ब्रेक्स कहा जाता है, और ये ब्रेक्स अमूमन हैवी व्हीकल्स में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि ट्रक्स में, बसेस में, ठीक है। इन हैवी व्हीकल्स में इन ब्रेक्स के इस्तेमाल की वजह ये है कि इनको रोकना बहुत मुश्किल होता है, यानी इन हैवी व्हीकल्स के मोमेंटम के ज़्यादा होने की वजह से इनको रोकने के लिए हमें काफ़ी पावरफुल ब्रेक्स चाहिए होती हैं। इसलिए यहाँ पे हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स का इस्तेमाल करेंगे, और आज हम इधर हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में ही सीखने वाले हैं जी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये आपकी बुक में से एक स्क्रीनशॉट लिया, ये आपकी बुक का ही हिस्सा है, ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ व्हीकल्स में ये तमाम वर्डिंग आपको अपनी बुक में भी मिल सकती है। आज हम इस वर्डिंग को अपने सामने रखते हुए ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ व्हीकल्स को समझने की कोशिश करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक डायग्राम है, एक फंक्शनल डायग्राम, इसको हम यहाँ पे समझेंगे और ये देखेंगे कि गाड़ियों में जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम को यूज करते हुए कैसे काम करता है जी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये ब्रेक पैडल है जो कि अमूमन ड्राइविंग सीट के निचली जानिब आपको अक्सर दिखाई देता है, ठीक है। ये ब्रेक पैडल है जिसको हम अपने पाँव की मदद से इसको प्रेस करते हैं, और प्रेस करने के लिए हम इसके ऊपर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आगे एक सिलेंडर होता है, और इस सिलेंडर पे हमने ये एक पिस्टन अप्लाई किया हुआ है। बेसिकली ये पिस्टन बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे यहाँ पे ये स्मॉल पिस्टन काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी हमने ये पढ़ा था कि स्मॉल पिस्टन पे हम खुद फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी इस पिस्टन पे हमारी खुद की लगाई गई फोर्स अप्लाई हो रही है। सो ये हमारे पास होगा स्मॉल पिस्टन, ठीक है बेटा। ये जो पिस्टन है, ये जिस सिलेंडर में फिट हुआ हुआ है, उस सिलेंडर को हम मास्टर सिलेंडर का नाम देते हैं। इस पिस्टन के साथ इस सिलेंडर के अंदर एक खास किस्म का लिक्विड जिसको ब्रेक ऑयल कहा जाता है वो फिल हुआ होता है। अच्छा जी, इस पिस्टन के साथ पाइप्स के जरिए से ये आगे एक सिस्टम बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि ये पाइप्स हैं जिनमें से एक ब्रांच ये इस जानिब जा रही है और दूसरी ब्रांच वहां से होते हुए दूसरी साइड से इधर पहुंच रही है। दरमियान में आपको ये नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक रोटर है। रोटर कहा जाता है घूमने वाली डिस्क को जिसके साथ व्हील अटैच होता है। जब ये डिस्क घूमती है तो वो व्हील भी रोटेट करता है, यानी वो भी घूमता है। अब इसको, डिस्क को अगर हम रोक लें तो फिर व्हील भी बड़ी आसानी से रुक जाएगा या वो स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये जो आपको एक ब्लैक साइज का पार्ट नजर आ रहा है, इसको हम ब्रेक पैड कहते हैं। बेसिकली ये ब्रेक पैड है, ठीक है। ये रबड़ मटेरियल का या ये किसी मेटल का तैयार किया जाता है। अब जब ये ब्रेक पैड यहाँ से प्रेस होगा तो ये इस डिस्क के साथ फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से डिस्क को आहिस्ता होने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि जब ये डिस्क के साथ टच होता है तो ये उसके साथ रगड़ खाता है, रब होता है, स्लाइड करता है, और फ्रिक्शन की वजह से उसकी मूवमेंट को स्लो करता है। इसी तरह का एक ब्रेक पैड दूसरी साइड पे यहाँ पे भी होता है, जो इधर इस डायग्राम में क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो इसी तरह का ब्रेक पैड यहाँ पे भी होता है। अब यहाँ से फोर्स इस तरफ अप्लाई होती है जबकि इधर से फोर्स इस तरफ, यानी ये डिस्क है दरमियान में और इसकी लेफ्ट और राइट साइड से दोनों जानिब एक फोर्स, ऑपोजिट फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से ये व्हील बड़ी आसानी से रुक सकता है, ख्वाह वो कितनी ही स्पीड से मूव क्यों ना कर रहा हो। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ब्रेक पैड है ये इस तरफ मूव करेगा कैसे,
जी, इसको मूव करवाने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक और पिस्टन है, ठीक है, ये भी हमारे पास एक पिस्टन है। तो जब आप यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये प्रेशर यहाँ से ट्रांसमिट होते हुए यहाँ पे पहुंचेगा और यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगी जो राइट साइड पे अप्लाई होगी, और उसी फोर्स की वजह से ये ब्रेक पैड भी आगे की तरफ मूव करेगा। ये बिल्कुल उसी तरह हुआ जैसे यहाँ पे हमारी डाउनवर्ड फोर्स ने एक अपवर्ड फोर्स जनरेट की थी, तो यहाँ पे हमारी लगाई गई फोर्स ने यहाँ पे एक और फोर्स अप्लाई की। क्योंकि हमने इधर ये पढ़ा था कि हमारी लगाई गई फोर्स की निस्बत ये वाली फोर्स काफी ज्यादा होती है, तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि हमारी लगाई गई फोर्स की निस्बत ये वाली फोर्स बहुत ज्यादा होगी। इसी ज्यादा फोर्स की वजह से ये काम मुमकिन होता है कि हम जस्ट अपने एक फुट की मदद से जो फोर्स लगाते हैं उस स्मॉल फोर्स का असर ये होता है कि हम काफी हाई स्पीड मूविंग व्हील को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। ना सिर्फ ये इस तरफ से अप्लाई होता है बल्कि दूसरी साइड से भी ये जो ब्रेक पैड है ये अगेंस्ट इधर फोर्स लगाता है, तो अब बड़ी आसानी से ये व्हील रुक जाता है। तो ये था ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ द व्हीकल। तो लेक्चर को एंड करने से पहले हम अपने इस बुक की वर्डिंग को भी एक बार पढ़ लेते हैं। सो द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ कार्स बसेस ईटीसी आल्सो वर्क ऑन पास्कल्स लॉ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स एज शोन इन द फिगर 7.17 अलाउ इक्वल प्रेशर टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड व्हेन ब्रेक पैडल इज पुश्ड इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन मास्टर सिलेंडर। जब आप ब्रेक पैडल को पुश करते हैं तो ये मास्टर सिलेंडर पे एक फोर्स एक्सर्ट करती है विच इंक्रीजेस द लिक्विड प्रेशर इन इट, और हमारी इस लगाई गई फोर्स की वजह से इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। द लिक्विड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू आउट द लिक्विड इन द मेटेलिक पाइप्स टू ऑल द पिस्टन्स ऑफ अदर सिलेंडर्स। जैसा कि हमें पता है कि ये प्रेशर आगे की तरफ ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है बिल्कुल इक्वली, और ये पाइप्स के जरिए से बकिया तमाम हिस्सों तक ये प्रेशर शिफ्ट हो जाएगा। ड्यू टू द इंक्रीज इन द लिक्विड प्रेशर द पिस्टन इन द सिलेंडर्स मूव आउटवर्ड प्रेसिंग द ब्रेक पैड विद द ब्रेक ड्रम्स। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक पैड्स एंड द ब्रेक ड्रम स्टॉप्स द व्हील। जी स्टूडेंट्स, ये थी आपकी बुक की वर्डिंग जिसको हमने एक दफा अगेन पढ़ लिया। आई होप कि अब आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। इसके साथ ही हम आज के इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।